दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेजोन का एक नया जो पोर्टल है वो लॉन्च होने वाला है, और उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और वो जो पोर्टल है यानी अमेजोन का ही, वो एक तरह का जो, अगर आप अमेजोन पे सेलर अकाउंट आपने बना रखा है तो उसी में एक नया एक पोर्टल है जो कि अमेजोन लॉन्च कर रहा है, और जो कि अप्लाई हो जाएगा 29 फरवरी 2024 से। तो यहाँ पर आप देखेंगे अमेजोन बाजार, मतलब अमेजोन बाजार जो है एक तरह का नया प्लेटफॉर्म है जो कि अमेजोन का ही एक पोर्टल है, और जो जितने अभी एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं अमेजोन के, उन सब पे ये जो है अप्लाई हो जाएगा। अभी जो भी, जैसे मैं भी अमेजोन का सेलर हूँ, तो ये जो लिंक है यानी अमेजोन का जो बाजार पोर्टल जो लॉन्च हो रहा है, आप इसमें जो है स्टार्ट सेलिंग ऑन बाजार, तो ये क्या करता है कि जो आपके जेनरिक प्रोडक्ट होते हैं, या कोई भी अगर आपके ऐसे जो होते हैं कि 600 रुपये, यानी कि जो उसकी प्राइसिंग वैल्यू जो होती है 600 रुपये से नीचे के जो प्रोडक्ट होते हैं, उनको आप अमेजोन बाजार में जो है सेल कर सकते हैं। तो ये पोर्टल जो है बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, और 29 फरवरी को ये लॉन्च होने वाला है। तो उसी के बारे में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि इस, अगर जो बाजार के अंदर प्रोडक्ट अगर आपको ऐड करना है तो इसमें क्या प्रोसेस है, और इसके बारे में अमेजोन की ओर से जो है थोड़ा सा मेरे को जो लिंक प्रोवाइड किया गया था, वो लिंक भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। और ये लिंक आप अगर देखते हैं तो ये वाला जो अमेजोन का लिंक है, इसके अंदर आप जो अगर अमेजोन का अपना सेलर सेंट्रल ओपन करते हैं, ओपन करने के साथ ही जब ये यूआरएल है, अगर इस यूआरएल को आप जैसे ही ओपन करते हैं तो ये अमेजोन बाजार आपके सेलर सेंट्रल में ऐड हो जाएगा। और इसका जो लिंक है, मैं आपको अमेजोन बाजार, आप देखेंगे ये मैं आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप अपने, अगर इससे आप जुड़ना चाहते हैं तो अमेजोन बाजार के अंदर आप इसको जो ऐड कर सकते हैं। ये जो यूआरएल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस यूआरएल पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो अमेजोन का सेलर जो होगा यानी सेलर सेंट्रल जो अकाउंट होगा, उसके अंदर जब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो इन्वेंट्री सेक्शन के अंदर जाके, जैसे यहाँ पे इन्वेंट्री सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मैनेज बाजार, यानी कि जैसे ही आप उस यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा मैनेज बाजार। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा अभी, जैसे हालांकि अगर मैं आपको इसी पे दिखा देता हूँ, जब आप इस यूआरएल को ओपन करेंगे तो ओपन करने के केस में आपका अमेजोन का जो सेलर अकाउंट है वो लॉगिन रहना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ स्टार्ट सेलिंग ऑन अमेजोन बाजार, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह की आपको विंडो देखने को मिलेगी, ये जो होता है कि मैनेज बाजार। अगर यही चीज़ जैसे आपने अपना इस यूआरएल पे क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के साथ में अब आप जब इन्वेंट्री पे क्लिक करते हैं यहाँ पर, इन्वेंट्री के अंदर आप देखेंगे मैनेज बाजार, तो मैनेज बाजार के अंदर भी ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। अब इसमें आपको क्या करना होता है कि जो प्रोडक्ट आपको ऐड करना है, यानी कि आप बाजार के अंदर कोई भी जो प्रोडक्ट आपको ऐड करना है, तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन मिलता है ऐड बाजार प्रोडक्ट, ठीक है, वाया अपलोड। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये इस तरह की जो विंडो आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक डाउनलोड करने का ये सिंबल दिया गया है, amazon.in जो टेम्पलेट होती है, यहाँ पर आप क्या करेंगे उस टेम्पलेट को जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल की जो फाइल है वो डाउनलोड आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी ये इन प्रोग्रेस है, इन प्रोग्रेस यानी कि मैंने इस जो ये टेम्पलेट थी इसको आज 4:51 पे भी मैंने इसको डाउनलोड किया था। तो डाउनलोड करने पर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो ये जब मैं इसको डाउनलोड करूंगा तो ये प्रोसेसिंग अभी चल रही है, मैं इसी को दिखा देता हूँ डाउनलोड। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सेल की एक फाइल है वो डाउनलोड होती है, यहाँ पर ये फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस फाइल के अंदर क्या होता है, कौन कौन सी ऐसे कंटेंट है या क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, वो चीज भी बता देता हूँ। तो इसके अंदर आपको जो अमेजोन के आपके प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आपके तीन तरह की जो सीटें मिलती है, स्टार्टिंग के अंदर आपको इंस्ट्रक्शंस जो होती है वो देखने को मिलती है, और इसके साथ में डाटा की डेफिनेशन क्या है वो यहाँ पे देखने को मिलती है, क्या क्या चीज़ इसके अंदर एंट्री है वो हर एक का फील्ड का यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, और मेन आपकी जो सीट होती है ये वाली सीट होती है। तो इसमें क्या होता है कि वो जो प्रोडक्ट आपके जो अमेजोन की सेलर सेंट्रल के अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं, उनमें से कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट की ये पूरी टेम्पलेट है, जो कि आपके एग्जिस्टिंग जो आपके जितने प्रोडक्ट आप सेल करते हैं उनकी ये पूरी लिस्ट है,
अब इस लिस्ट के अंदर से भी क्या होता है, इसका एक क्राइटेरिया ये होता है कि 600 रुपये से कम की प्राइस के अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं, यानी आप देखेंगे कि जितने जो प्राइस होते हैं यहाँ पे बाजार की जो प्राइस है जो कि मैंडेटरी है, ये आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस जितने भी हैं 600 रुपये या 600 रुपये से कम की जो प्राइस होती है वो सारी की सारी प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि वो जो प्रोडक्ट है इसका यहाँ पर आपको देखेंगे कि अमेजोन का ASIN नंबर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वो कौन से ऐसे ASIN नंबर है जो कि, यानी जो मेरे प्रोडक्ट हैं जो कि 600 रुपये से कम प्राइस की वैल्यू है उनकी, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे मैं यहाँ से किसी भी एक ASIN को लेता हूँ, तो मैंने यहाँ से जैसे ये ले लिया, या इसके अलावा मैं कोई दूसरा ASIN कोई सा भी मैं लास्ट का ही ले लेता हूँ, जैसे ये वाला ASIN नंबर ये मैंने लिया, इसको मैंने कॉपी किया और अमेजोन पे आके अगर मैं इसको सर्च करता हूँ, जैसे अमेजोन पे आके अमेजोन डॉट इन पे, और इसी के अंदर वो प्रोडक्ट है उसका ASIN नंबर मैं यहाँ पे अगर एंटर करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर वो देखिए ASIN नंबर ऐसे सर्च नहीं करेगा। मैं अपने सेलर पैनल पे आपको दिखा देता हूँ कि वो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट था। तो इन्वेंट्री के अंदर जाके मैनेज इन्वेंट्री, और इसमें जो ASIN नंबर होता है मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ, सर्च कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे ये वाली एक प्रोडक्ट है, आप देखेंगे कि ये ब्रास की एक तरह की जो प्लेट है, इसी की प्राइस अगर आप देखेंगे तो 600 रुपये इसकी प्राइस है। तो यानी ये एक और जेनरिक प्रोडक्ट है। तो अमेजोन बाजार के अंदर जो टेम्पलेट्स अगर आप देखते हैं, तो इस टेम्पलेट के अंदर क्या होता है कि 600 रुपये से कम प्राइस के अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं, अब जैसे मैं यहाँ पे देखिए इसको मैंने कॉपी किया था, तो अब यहाँ पर ये जो मैंडेटरी प्राइस है इसके अंदर आप अमेजोन की जो प्राइस है ये वाली प्राइस भी आप इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या करता हूँ, इसी प्राइस को मैंने यहाँ पे कॉपी किया और कॉपी करने के साथ ही मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये वाली जो मैंने टेम्पलेट थी इसको मैंने कंप्लीट किया, इसको मैं कर देता हूँ सेव, और मैंने इसको कर दिया क्लोज। तो अब यहाँ पर जो अमेजोन बाजार पे मैं वापस आ जाता हूँ, यहाँ पे इसमें जो अमेजोन का सेलर सेंट्रल था इसी के अंदर मैंने जो यहाँ पे देखी, ये वाला ऑप्शन भी अब डाउनलोड हो गया, यानी कि दो बार, यानी इससे क्योंकि मैं आपको ये दिखा चुका था। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो है इसको अपलोड करना है, यानी आपने क्या किया, एक बार तो आपने डाउनलोड कर ली, और डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे हो गया अपलोड। तो अपलोड का ये ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, उन जो भी आपके प्रोडक्ट थे जो कि अमेजोन बाजार के अंदर जो यहाँ पे थे, तो यहाँ पे अगर ईमेल एड्रेस सबसे पहले अगर आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मैं फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मैंने अभी डाउनलोड करके जो उसमें चेंजेस किए थे अमेजोन प्राइस को, इसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, अमेजोन की ये फाइल बाजार है, और मैंने इसको किया ओपन। तो ओपन करने के साथ ही देखेंगे किसी भी तरह की कोई भी एरर इसके अंदर नहीं है। अगर आप इसमें ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं तो अपना ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, जो कि मेरा ईमेल एड्रेस इसमें रजिस्टर्ड है। और यहाँ पे मैंने कर दिया सबमिट प्रोडक्ट। तो अब आप देखेंगे कि मैंने क्या किया, अपने जितने जो प्रोडक्ट थे यानी कि अमेजोन बाजार के लिए जो इलिजिबल प्रोडक्ट थे उनकी लिस्ट यहाँ पे देखने को मिली, और उसी के साथ मैंने उस सबसे पहले टेम्पलेट को डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के साथ ही मैंने उस टेम्पलेट को जो है अपने यहाँ पे अमेजोन बाजार के उसमें अपलोड कर दिया। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो अब इस केस में क्या होगा, अमेजोन का जो ये बाजार था, यानी कि मैंने अभी आपको जो लिंक दिखाया था यहाँ पे अमेजोन बाजार का, मैं अगर आपको दिखा दूं वो अमेजोन ये वाला बजू है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, ये तो नीचे इसमें आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। तो यानी कि अमेजोन का जो ये है बाजार क्या है इसके बारे में दिया गया है कि आप इसके अंदर क्या होता है कि लो प्राइस आपको इसमें देखने को मिलेगी, और इसके अंदर जो जो भी आपके प्रोडक्ट होते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया गया कि अमेजोन जो आपका ये अमेजोन बाजार का जो प्लेटफॉर्म है इसके अंदर आप सारे जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको आप सेल कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है अनब्रांडेड प्रोडक्ट, कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट इसमें नहीं सेल होगा, सारे के सारे जेनरिक प्रोडक्ट होते हैं वही इसमें सेल होंगे। और इसमें कंडीशन दी हुई है कि सारे के सारे जो है 600 रुपये से बिलो जो कैटेगरी होती है उसमें, यानी 600 रुपये से कम के जो भी सारे प्रोडक्ट होंगे, और कैटेगरी कौन कौन सी इन्होंने यहाँ पे कैटेगरी मेंशन कर दी है। तो ये वाली कैटेगरी जिसमें आप देखेंगे मेन मेन कौन सी है, ये कैटेगरीज अगर आप देखेंगे तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और इसी के अंदर आप देखेंगे कि क्या इसमें जो 600 रुपये से ऊपर की वैल्यू सेल कर सकते हैं, तो इन्होंने ये मना कर दिया कि आप उसमें सेल नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद में होता है कि सेल जो होता है ब्रांडेड प्रोडक्ट है, जो कोई भी होता है सेल ब्रांडेड प्रोडक्ट ऑन बाजार, तो आप इसमें सेल कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई भी उसमें लेबल लगेगा जेनरिक, यानी कि जो इस तरह से जो प्रोडक्ट होता है उसमें। और इसमें जो होता है कि पैकेजिंग जो होता है आप किस तरह से करेंगे, तो यानी कि आपको जो भी
प्रोडक्ट आपके पास जो भी रिसीव होता है सेम प्रोसेस वही रहेगा जो कि अमेजोन के अंदर, अगर आपका जो होता है सेम प्रोसेस वही आपको इसके अंदर फॉलो करना है। और इसके बाद में क्या होता है कि अगर आप इसमें ऑलरेडी सेल कर रहे हैं तो इसमें आपको अमेजोन के अंदर जो है किस तरह से स्टार्ट करेंगे, तो इसमें भी आपको सारा जो है लिंक अगर मैं प्रोवाइड कर दूंगा कुछ टाइम के बाद में, अगर आप देखेंगे तो ये इंप्लीमेंट ऑटोमेटिक अमेजोन की ओर से इसके अंदर कर दिया जाएगा। और डिलीवरी का जो ऑप्शन होता है डिलीवरी के अंदर भी सेम प्रोसेस आप देखने को मिलता है कि कोई भी जो आपका इजी सिप और सेल्फ सिप जो रहते हैं वही प्रोसेस इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। और इसके जो चार्जेस होते हैं, अगर चार्जेस की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि कुछ इसके जो चार्जेस होते हैं वो फिक्स होते हैं। अब चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो एक मिनट, इसके अंदर मैं इसके जो चार्जेस होते हैं थोड़ा सा बैक जाता हूं। जो इजी सिप के जो चार्जेस होते हैं डिलीवरी चार्जेस अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो एक मिनट इसमें आपको ऑप्शंस वो मिलते हैं प्राइस के, ये वाले चार्जेस होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि डिलीवरी ऑप्शन जो होता है सेम मैंने आपको बता दिया था, और इसी के अंदर जो इसके डिलीवरी जो चार्जेस होते हैं यानी क्लोजिंग फीस इसके अंदर जो इजी सिप के अंदर कुछ नहीं लगती है, लेकिन अगर आप सेल्फ सिप करते हैं तो उस केस में आपको इसमें चार्ज देखने को मिलता है। अगर ऑर्डर की वैल्यू मतलब 0 से लेकर 250 रुपये तक होती है तो 7 रुपये आपकी इसकी क्लोजिंग फीस लगती है, और 250 से ऊपर 500 तक के लगते हैं तो 20 रुपये इसमें क्लोजिंग है। अगर इजी सिप में कुछ चार्जेस नहीं है, इसके साथ में वेट हैंडलिंग की जो चार्ज अगर आपको देखने को मिलते हैं तो एक स्टैंडर्ड होता है कि अगर आपका कोई भी पैकेट अगर 500 ग्राम तक का होता है तो उसमें स्टैंडर्ड सब में 73 है, फ्लैट रेट है, यानी कि आपका लोकल होगा रीजनल होगा चाहे नेशनल होगा सबके अंदर 73 है। और इसी के अंदर अगर आपके 500 ग्राम से अगर ऊपर जैसे बढ़ते जाते हैं तो उसी हिसाब से यहाँ पे 25 की जो है वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी, और 1 किलो होता है तो 33, और यहाँ पे अगर 5 kg होता है तो इसके अंदर 73 के अंदर ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं वो सब इसमें ऐड होते जाएंगे। और इसमें क्या होता है रिफंड जो होता है, यानी रिफंड के केस में भी आप दिखा रहे हैं कि अगर 0 से लेकर 500 तक का रिफंड होता है तो आपकी वैल्यू 75 और 100 होनी चाहिए, मतलब इतने कमीशन इसमें लगती है रिफंड चार्जेस। तो अब इसमें क्या होता है कि शिपिंग जो चार्ज आप मैंने आपको दिखा दिया था, और इसके अंदर और भी इसके जो क्वेश्चंस होते हैं आपके वो सारी चीज़ें आपके इस अंदर देखने को मिलती है। और यहाँ पर होता है कि रिटर्न पॉलिसी जो होती है, कस्टमर अगर इसमें अमेजोन बाजार से कोई भी अगर शॉपिंग करता है तो उसमें आपको रिटर्न के जो बेनिफिट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि कस्टमर आपके इसमें रिप्लेसमेंट और एक्सचेंज नहीं है, यानी अमेजोन आप बाजार के अंदर कोई भी प्रोडक्ट जब आप सेल करते हैं, और सेल करने के साथ ही यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं जो प्रोग्रेस अभी चल रही थी वो कंप्लीट हुई है या नहीं हुई आप देखेंगे, तो ये वाला जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गया अपलोडिंग का। तो इसमें क्या होता है अमेजोन बाजार के अंदर कोई भी अगर आपके प्रोडक्ट सेल होते हैं, सेल होने के बाद में अभी तो आप देखते हैं कि अमेजोन पे कस्टमर उसको रिप्लेस भी कर सकता है और एक्सचेंज भी कर सकता है, तो इसमें अमेजोन के बाजार के अंदर ये दोनों ही ऑप्शन नहीं मिलेंगे। हाँ प्रोडक्ट आपके रिटर्न होंगे लेकिन वो उसको रिप्लेसमेंट और एक्सचेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रोडक्ट मैंने ऐसे जो सेलेक्ट किए थे यानी कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट ही मेरे इसमें जो है अपलोड हुए थे, यानी 58 प्रोडक्ट मेरे इसके अंदर एलिजिबल थे जो कि मैंने यहाँ पर अभी अपलोड किए। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ डाउनलोड प्रोसेस समरी जो होती है, तो यहाँ पर मेरे जो प्रोडक्ट अभी कंप्लीट हुए हैं उनकी समरी मैं दिखा देता हूं, जो मैंने डाउनलोड करके अपलोड किया था मैं उसकी समरी आपको यहां पे दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे कि जब आपके प्रोडक्ट कंप्लीट अपलोड हो जाते हैं तो अपलोड के केस में आपको इस तरह से ये समरी आपको देखने को मिलती है कि नंबर ऑफ टोटल रिकॉर्ड कितने थे, 58 थे, किसी में एरर है या नहीं है, कोई वार्डिंग है या नहीं है, तो वो सारी की सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कोई भी एरर नहीं है, सारे के सारे अमेजोन बाजार के अंदर जो है मैंने सारे के 58 प्रोडक्ट थे वो सारे के सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो दोस्तों ये जो अमेजोन का एक नया पोर्टल है, अमेजोन का ये जो बाजार है इसके अंदर आपको कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे सारे के सारे मैंने फीचर्स आपको इसमें बता दिए कि किस तरह से आप इसमें सेलिब्रेट करेंगे, या इसमें अगर आपको अपने स्टोर के अंदर जो है कुछ टाइम के बाद ये ऑटोमेटिक इसमें इंप्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसमें इन जो अपना ऐड करना है सेलर पैनल पे, तो ये जो यूआरएल आप देख रहे हैं इस यूआरएल को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, और जैसे आप इस यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो आप अमेजोन के जो बाजार का जो नया पोर्टल है वो पोर्टल आपके सेलर पैनल पे आपको अगर इस तरह से देखेंगे तो इन्वेंट्री के अंदर यहाँ पे मैनेज बाजार का जो ऑप्शन होता है इसमें यह ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों अमेजोन का ये एक तरह का नया प्लेटफॉर्म है अमेजोन बाजार, जिसके अंदर आपको देखेंगे कि 0 रेफरल फी, यानी कि आप कमीशन बहुत ही इसमें जो है ना के बराबर है,
केवल आपको शिपिंग चार्ज इसमें दे रहा है, बाकी इसके अलावा कोई भी जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो इसमें डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। और अब इसके जो ऑर्डर रिसीव होंगे, जैसे सेम ऑर्डर अगर अमेजोन पे जो सेलर सेंट्रल होता है उस पर अगर आपको रिसीव होते हैं, इसके साथ ही अमेजोन बाजार से अगर कोई ऑर्डर रिसीव होता है, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका अपडेट दूंगा कि अभी हाल फिलहाल तो यह है लॉन्च होने में हो चुका है, लेकिन इम्प्लीमेंट होने में इसको जो है 29 फरवरी से जो है अमेजोन की ओर से जितने भी सेलर्स होते हैं उन सबके ये अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।